इसी क्वेश्चन को हम करके देखते हैं मेगास्टैट से। सो मेगास्टैट वन वे एनोवा, वन वे एनोवा में यहाँ पे देखिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि ऊपर का कॉलम हेडिंग दें, तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। वैसे भी ऊपर मेरा डाटा न्यूमेरिकल में है, ये कन्फ्यूज़ हो सकता है, तो सिर्फ अपनी रेंज स्पेसिफाई कर दी हमने, रेंज स्पेसिफाई की। ओके, यहाँ मैं पर्पजफुली अपनी रेंज छोटे स्पेसिफाई करता हूँ। एक बार हम पहले चार को देखते हैं, एक चीज़ दिखानी है आपको। चार को किया पोस्टॉक लगाए, अगर इसे छोटा हो तो लगाए, डाटा को भी प्लॉट करें। ओके, तो हमारा एक ग्रुप आया, तो चार ग्रुप का मीन जो है 45 45, सबका 45 के करीब आया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी आई है, ये इनकी कोडिंग भी इसने चलो उठा ली है, और पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। किस किस में डिफरेंस है, तो 50 to 60 का जो डाटा है ये है हमारा। इसमें टकी टेस्ट यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, टकी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। टकी मेथड जब यूज किया तो ये बता रहा है 50 to 60 20 to 30 से डिफरेंट है, इन दो के अंदर डिफरेंस है, यानी बाकी डिफरेंस नहीं है लेकिन इन दो के अंदर डिफरेंस पाया गया है। यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है, और ये हमारे ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन है। 20 to 30 का डाटा देखिए, यहाँ डाटा है ये अलग अलग, और ये हमारा है मीन 20 to 30 का। 30 to 40 का मीन स्कोर यहाँ है, 40 to 50 का, और ये है ग्रैंड मीन। तो इनमें से जो डिफरेंस आ रहा है 50 to 60 का डिफरेंस आ रहा है 20 to 30 से। तो अभी इसमें हमारा जो डिफरेंस है ये 20 to 30 का 50 to 60 से है। अब हम पूरा वाला करते हैं बड़े के साथ। अगर यहाँ पर वन वे अनोवा में अब हम पूरा ले रहे हैं 20 to 30 का 70 to 80 ऑनवर्ड्स का पी वैल्यू, ठीक है। ओके प्रेस करें। ओके, देखिए अब जो पहले पिछले ग्राफ को डिलीट करें, ये ऊपर वाला डाटा था, नीचे वाला वन वे अनोवा में हमारा आया वन वे अनोवा। इसका मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है 60 to 70 का, लेट्स सी। पी वैल्यू ने कहा हाँ डिफरेंस है, पहले वाले में एक अलग कलर आया था, इसमें और ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारा सिग्निफिकेंट है। और 60 to 70 एक्चुअली सब ग्रुप से डिफरेंट है, ये सिग्निफिकेंस वैल्यू है नीचे पी वैल्यू, ऊपर इनकी डिफरेंस की वैल्यू है कि कितना डिफरेंस है, साइमल्टेनियसली कंपेरिजन का वैल्यू। ये टी की वैल्यू है और ये वैल्यू है पी की वैल्यू, प्रॉबर्टी वैल्यू। और यहाँ ग्राफ से भी क्लियर है 60 to 70 का सारा डाटा बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द डाटा। तो ये चीज़ मेगास्टैट के अंदर बहुत ही वंडरफुली आती है, जो कि एक्सेल टूल पैक में अवेलेबल नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।